हाई टुडे इज एट ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी इमेजिन इमेजिन हाउ इफेक्टिव यू वुड बी इफ इफ यू वर नॉट एंशियस ऑल द टाइम टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स रैपिड जी के यस्टर्डे क्वेश्चन के आंसर हैं सेंट्री फ्यूगेशन सेंट्री फ्यूगेशन प्रिंसिपल होता है वॉशिंग मशीन का जिससे क्लोथस क्लीन होते हैं ऐसे रोटेट होता है अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है ग्रेविटी नीचे एक्सेलरेशन भी है तो अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी इंक्रीज हो जाएगा ब्लैक पगोड़ा कोनार्क सन टेम्पल को बोलते हैं आई शुड हैव मेंशन दिस कम्प्लीटली सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इज कम्पोज बाय मोहम्मद इकबाल जी रोर है रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप ये थीम है वाइल्ड लाइफ वीक ट्वेंटी का रविंद्रनाथ टैगोर जी को पहला नोबल प्राइज मिला था फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबल प्राइज आज के सवाल हैं डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम दिस कॉफी टेबल बुक इज टाइटल्ड बाय हुम व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं आगा खान कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स एंड महामना महामना इज द निक नेम ऑफ होम फ्रीडम फाइटर सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टुडे टुडे वी विल टॉक अबाउट डेमोक्रेसी एंड डिसेंट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दिस इज विंटर इज कमिंग कोविड नाइनटीन एयर क्वालिटी इंडेक्स वॉट डज इट मीन बाय ए क्यू आई ये कौन सी एट पैरामीटर्स हैं एंड दीज आर लेवल्स फोर फॉर वन दिस इज क्वाड रियालिटी द होल इन द मिडिल दिस इज नोबल प्राइजेज sixth is flood forecasting technology then seventh is gig workers eighth is india japan cyber security pact and ninth is nobel prize in chemistry tenth is explained certain sections and then we will see map of indonesia these are group of islands indonesia so we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes

आर्टिकल नाइनटीन वन ए गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सो राइट टू प्रोटेस्ट है पीसफुली आर्टिकल नाइनटीन वन बी अश्योर करता है सिटीजन को कि राइट टू असेंबल पीसफुली है एंड विदाउट आर्म्स सो दीज आर टू राइट्स नाइनटीन वन ए एंड नाइनटीन वन बी आर्टिकल नाइनटीन टू सेज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगी ऑन द राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स में आर्टिकल फिफ्टी वन ए अगेन फंडामेंटल राइट स्टेल्स कॉन्स्टिट्यूशंस मेक्स इट अ फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल फिफ्टी वन ए बोलता है टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एबजोर वायलेंस। सो दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स फंडामेंटल राइट्स क्वालिफाइड होते हैं बट वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं यू हैव गॉट योर फंडामेंटल राइट सम वन एल्स ऑल्सो हैज गॉट देअर फंडामेंटल राइट सो डेमोक्रेसी एंड डिसेंट गो हैंड इन हैंड डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ होता है डिसेंट आर्ग्यूमेंट्स बट देन द डिमॉन्सट्रेशन एक्सप्रेसिंग डिसेंट हैबाउट कि जो पब्लिक प्लेज हैं हम इनडेफिनेटली वहां पर ऐसे ब्लॉकेट नहीं कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स नॉट लिव इन आइसोलेशन दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन फंडामेंटल राइट्स डू नॉट लिव इन आइसोलेशन द राइट ऑफ द प्रोटेस्टर हैज टू बी बैलेंस्ड विद द राइट ऑफ द कॉम्यूटर दे हैव टू को एग्जिस्ट इन म्यूचुअल रेस्पेक्ट सो दैट इज वाई फंडामेंटल राइट क्वालिफाइड होते हैं एप्सुल्यूट नहीं होते हैं डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ होता है डिसेंट एंड डिसमेंट डिबेट डिस्कशन ये हैंड इन हैंड होना चाहिए बट डेजिग्नेटेड प्लेस में पब्लिक प्लेसेस कान बी ऑक्यूपाइड इन डेफिनेटली डिजिटल वर्ल्ड है फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट भी चेंज हो रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में लीडरलेस मूवमेंट आर ऑन राइज

विंटर्स आते हैं तो दिल्ली स्टबल बर्निंग भी होती है गैस चैम्बर बन जाता है पॉल्यूशन राइज होता है अब कोविड नाइन्टीन का भी थ्रेट है तो रेस्पिरेटरी दीज कुड़ भी इनके केसेस सर्ज हो सकते हैं सिटी ऑफ जॉय कॉट बिटवीन फीयर एंड फेस्टिविटीज़ दिस इज़ अबाउट दुर्गा पूजो दिस कोलकाता तो अभी जो सीज़न आ रहा है ये फेस्टिविटीज़ का भी है इंटरेक्शन ज़्यादा होगा और कोविड नाइन्टीन को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है स्प्रेड करने का दैट इज़ वाई वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल दिस इज वेज वॉरियर्स जो डॉक्टर्स हैं रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज फॉर द पास्ट फोर मंथ इन डेली ऑन वेंसडे फ्रंटलाइन स्टाफ दे आर वर्किंग सो हार्ड एंड दिस इज मनी वूज सो दिस इज विंटर इज कमिंग कोविड नाइन्टीन रिगार्डिंग कोविड नाइन्टीन ये फ्रंट पेज है द हिंदू का इफ यू मूव फर्दर दिस स्पेशल मैरिज एक्ट इंटरफे पेयर सीक दिस ऑब्जेक्ट प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें राइट टू मैरिज है ये भी एक फंडामेंटल राइट right में आ सकता है आर्टिकल का नाम बताइए देन दिस इज द सेकेंड पेज ये नेक्स्ट पेज है पंचायत टू बी रिवॉर्डेड फॉर जीरो क्रॉप बर्निंग दिल्ली दिल्ली मुंबई की तरह दिस ओशन प्रॉक्सिमिटी नहीं है सी प्रोक्सिमिटी नहीं है कॉन्टिनेंटैलिटी है यहाँ पे दिल्ली के आसपास पास फार्म फील्ड हैं यूपी है पंजाब हरियाणा यहाँ होता है स्टबल बर्निंग स्टबल बर्निंग के कारण दिल्ली में दिस विंटर्स में पॉल्यूशन लेवल्स राइज हो जाते हैं दैट इज़ वाई स्टबल बर्निंग में हम इतना ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स लेट एस टॉक अबाउट ए क्यू वाई ए क्यू आई का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स एक टर्म हमने बोला कि पॉल्यूशन है बट इसको आप डिटरमाइन कैसे करोगे लेमैन कैसे बता सकता है कि ये पॉल्यूशन का लेवल कितना है रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कैसे करेंगे पॉल्यूटेंट्स आपने बताए हैं ये पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं एयर क्वालिटी को और पॉल्यूशन लेवल को सो फॉर सिंप्लीफाइंग दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स डिजाइन किया गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स में एट पॉलिटेंट्स होते हैं एट पॉलिटेंट्स हैं ग्राउंड लेवल ओजोन पी एम टेन पार्टिकुलेट मैटर पार्टिकुलेट मैटर टू पॉइंट फाइव कार्बन मोनऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अमोनिया एंड लेडीटेंट्स के लेवल के इंडेक्स फॉर रिपोर्टिंग डेली एयर क्वालिटी के लिए AQI हमने एक सिंपलीफाई प्रोसीजर किया अब बिकॉज हमें लेमेन को रियल टाइम पे इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट करना है तो टू थाउजेंड फोर्टीन में हमने डिजाइन किया वन कलर वन डिस्क्रिप्शन यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द कलर कलर कोड के अकॉर्डिंग यू कैन टेल की पॉल्यूशन का लेवल क्या है हाल में ये ट्वेंटी टू प्लस स्टेट्स में इंस्टॉल है एंड फोर्टी फोर प्लस सिटीज में इंस्टॉल्ड है स्टबल बर्निंग आ रही है दिस इज द कलर कोड ग्रीन है अगर ए क्यू आई जीरो टू फिफ्टी है गुड मिनिमल इम्पैक्ट सेटिस्फैक्ट्री मोडरेट पुअर वेरी पुअर सीवियर एंड दिस इज द ए क्यू आई नंबर ए क्यू आई नंबर के करस्पॉन्डिंगली दिस इज द कलर कोड एंड जस्ट लुकिंग एट द कलर कोड एनी पर्सन कैन टेल कि पॉल्यूशन का लेवल क्या है थ्रेट कितना है पॉसिबल हेल्थ इम्पैक्ट दिस इज द होल पर्पज ऑफ डिजाइनिंग दिस एयर क्वालिटी इंडेक्स नाउ एयर पॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज एयर पॉल्यूशन ये रियलिटीज़ हैं एयर पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है इज नॉट मेयरली अ टेक्नोलॉजिकल इशूज स्टब्बल बर्निंग के लिए पूसा एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट ने टेक्नोलॉजिकली एंड दिस साइंटिफिक मेजर्स निकाले बट एयर पॉल्यूशन इज नॉट अबाउट दिस टेक्नोलॉजिकल इशूज ओनली ये एक सोशो इकोनॉमिक कंसर्न भी है बिकॉज जो हेल्थ होता है ना हेल्थ का इम्पैक्ट आता है सोशो सोसाइटी में एंड इकोनॉमिक में इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कोविड नाइन्टीन अभी हमने देखा सोशो इकोनॉमिक कंसर्नस क्या हैं एयर पॉल्यूशन के लेट एस ट्राई टू डिस्कस दिस क्वेश्चन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इधर सोशो इकोनॉमिक है सो तो पेपर वन में एक सेक्शन है सोशोलॉजी का सोसाइटी का यू कैन टेल बहुत सारे पॉइंट्स की हेल्थ इश्यूज होते हैं सोसाइटी में अर्निंग वेजेस सो मैनी थिंग्स इकोनॉमिक एंगल आप बता सकते हो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है क्लाइमेट चेंज से एंड एयर पॉल्यूशन से हेल्थ हैज़ार्ड्स आप डिस्कस कर सकते हैं सो सोशो इकोनॉमिक कंसर्न ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन डिस्कस दिस क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट इज दिस पुअर ए क्यू आई जेवर एयरपोर्ट यूपी गवर्नमेंट ने अग्रीमेंट किया है स्विज बम के साथ टू बिल्ड दिस जेवर एयरपोर्ट रोड मैप रेडी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन राजस्थान फाइटिंग फ्लेम्स दिस इज फाइटिंग फ्लेम्स एक्सीडेंट महाराष्ट्र में कोविड नाइन्टीन रिकवरी रेट नियर एट्टी वन परसेंट मतलब हंड्रेड इन्फेक्ट हुए तो एट्टी वन रिकवर हो गए नंबर स्टिल बहुत ज्यादा है दिस इज पीस ऑफ कॉमेट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ओपन करना है माइट ओपन आफ्टर दिवाली दिस इज फोर फॉर वन एडिटोरियल फोर फॉर वन फोर क्वाड दिस इज अबाउट क्वाड क्वाड का जो डिस्कशन है वो मेन स्ट्रीम हो गया है पहले हम इसको मेन स्ट्रीम में डिस्कशन नहीं करते थे बट बिकॉज ऑफ चाइनीज दिस एग्रेशन क्वाड नेसेसरी बनता जा रहा है एक न्यू डायमेंशन है क्वाड में कौन आता है ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स 2007-8 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने यह कॉन्सेप्ट निकाला था दिस इज इंडिया दिस इज ऑस्ट्रेलिया दिस इज यू एस एंड दिस इज जापान क्वाड बिकॉज ऑफ राइजिंग चाइना राइजिंग चाइना एंड चाइना का एग्रेसिव एंड अजर्टिव स्टैंड क्वाड में लाइक माइंडेड कंपनीज एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आने का ट्राई कर रहे हैं कल टोक्यो में अभी एक मीटिंग हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर इंडियन यूएसए एंड दिस जैपनीज़ इनका इंटरेक्शन हुआ यहाँ पे द थिंग इज यू एस बहुत ज़्यादा अजर्टिवनेस दिखा रहा है क्वाड बनाने में यू एस और जापान में अलायंस है यू एस और ऑस्ट्रेलिया में भी अलायंस है बट इंडिया ने किसी के साथ अलायंस नहीं किया है इंडिया हमेशा से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के ऊपर एम्फेसाइज किया है एन ए एम सो अगर हम क्वाड में आते हैं तो क्वाड में अलायंस सिस्टम होगा तो हमारी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है सोवेनिटी है डिसीजन मेकिंग है वो भी इम्पैक्ट होगी दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न इंडिया सोवेरन है शुड नॉट बी लेड by USA. USA वर्ल्ड पुलिस का रोल काफ़ी टाइम तक किया है USA के अपने खुद के मोटिव्स होते हैं तो इंडिया शुड नॉट बी ड्रैगड इन टू दिस रीजनल इनिशियेटिव में डिसीजन जो है फॉरन मिनिस्टर्स का एनअल इवेंट की तरह अब ये हर साल मिलेंगे चार फॉरन मिनिस्टर्स कोऑपरेट करेंगे कॉम्बैटिंग द पैंडेमिक में कोविड नाइन्टीन बिल्डिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी सप्लाई चेन इनिशिएटिव्स भी होंगे रीजन में फोर फॉर वन गेन है यहाँ पे बेनिफिट भी है चाइना का थ्रेड भी है क्वाड नेसेसरी भी लग रहा है बट एट द सेम टाइम इंडिया हमेशा से एक सोवर इंडिपेंडेंट नेशन रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे इंटरेस्ट के रिवॉल्व के अराउंड होगी इट शुड नॉट बी डिक्टेटेड तो गेन यस है

जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जो ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन है, है इसके ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ हुए देन जो हमारी मिल्की वे है इसके सेंटर में मिल्की वे के सेंटर में एक जाइंट सेगिटेरियस ए दिस एरिया इज़ देयर एंड बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज एरिया मास मिल्की वे में ऐसे स्पाइरल्स बन गए तो ये दोनों स्टडी के कारण अभी नोबल प्राइजेज इनको मिले हैं इससे पहले नोबल प्राइज़ फॉर मेडिसिन हुआ नोबल प्राइज ऑफ मेडिसिन के बाद फिजिक्स हुआ अब नेक्स्ट आएगा दिस केमिस्ट्री भी अनाउंस हो गया है आगे बढ़ते हैं अब लिटरेचर पीस और इकोनॉमिक्स इज रिमेनिंग दिस एडिटोरियल टेल्स की जो वर्क है थ्योरेटिकल वर्क है ऑब्जर्वेशनल वर्क है थ्योरेटिकल एंड ऑब्जर्वेशनल वर्क थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ब्लैक होल्स एंड दिस सेगिटेरियस ए जिसके कारण मिल्की वे को ऐसा स्पायरल मिला है सो बिकॉज ऑफ दीज वर्क एंड थ्योरी एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल आइंस्टाइन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो और स्ट्रेंथन होता है और मिल्की वे में हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है सो दीज प्राइजेज आर गिवन स्पायरल ऑफ मिल्की वे स्पायरल मतलब ये होता है ये स्पायरल है ये मिल्की वे है हमारी ये जो सेंटर ह्यूज मास है ना इसके बारे में अभी ऑब्जर्वेशन स्टडी हुआ है दिस इज मिल्की वे और ये मिल्की वे ऐसे स्पायरल हो रही है दिस इज स्पायरल दिस इज स्पायरल मिल्की वे सो दिस इज स्पायरल ऑफ़ मिल्की वे की स्टडी अभी स्ट्रेंथन हुई है लुक एट द साइज हम एस्ट्रोनॉमिकल कितने ह्यूज लेवल पे बात कर रहे हैं यहाँ पे ये मिल्की वे है मिल्की वे मतलब क्या होता है बहुत सारे स्टार्स हैं इन सब स्टार्स का ये ग्रुप है तो दिस इज मिल्की वे मिल्की वे जैसी जो गैलेक्सीज़ हैं दिस इज गैलेक्सी देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी है जिसका नाम है दिस मिल्की वे मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिल्की वे मिल्की वे में दिज आर स्टार्स ये जो है ये स्टार्स है ऐसा ही एक मीडियम स्टार है जिसका नाम है सन सो दिस इज सन ये सन है सन इज अवर स्टार सन स्टार में ये सारे प्लान हैं जूपिटर इज बिगेस्ट ये जो दिख रहा है दिस इज अर्थ दिस इज सो स्मॉल दिस इज अर्थ सन के कंपेरिजन में दिस इज अर्थ एंड सन इज समवेयर हेयर इन मिल्की वे सो वन अमंग दिस स्टार इज दिस सन And then Sun may, this is planet Earth. One among million and planet Earth may there are seven billion human beings, and you and me one among these seven billion. So this is the scale enormous this size. So yeah, the hole in the middle. Then sixth is flood forecasting technology. So this is the second editorial. This is using facts to hide underlying truth. Playing catch-up in flood forecasting technology. वॉट इज़ द बेनिफिट ऑफ फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग से ये फ़ायदा होता है कि जो भी डिज़ास्टर आ रहा है उसकी प्रिपरेशन में हमें टाइम मिल जाता है ओडिशा में 1999 में साइक्लोन आया था डेडली साइक्लोन था वी लॉस सो मेनी इनोसेंट लाइव्स 2000 अभी 20 में भी एक साइक्लोन आया बट हमने सेफ्टी मेजर्स लिए और प्रिवेंटिव मेजर्स लिए एंड ह्यूमन लाइफ लॉस कम हुआ है वाई बिकॉज हमने सैटेलाइट में एडवांसमेंट किया है फोरकास्टिंग में एडवांसमेंट किया है कपल ऑफ डेज बैक बैक ही पता चल जाता है हमें दो तीन दिन पहले एडवांस में पता चल जाता है कि साइक्लोन इज कमिंग ऐसा हम फ्लड में क्यों नहीं कर पा रहे हैं फ्लड फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी में सो दिस एंटायर आर्टिकल टॉक्स अबाउट दीज फ्लड मेजर्स वोट यू अंडरस्टैंड बाय फ्लड फ्लड मीन्स रिवर चैनल है रिवर चैनल में पानी ऐसे बह रहा है जब ज़्यादा पानी आ जाएगा रिवर चैनल उसको कैरी नहीं कर पा रही है तो फ्लड से पानी बाहर आ गया है दैट इज कॉल्ड फ्लड ओवरफ्लो ऑफ वाटर सबमर्ज लैंड एंड यूजली जो ड्राई है दैट इज दिस फ्लड तो फ्लड आता है तो पानी ऐसे दिस ओवरफ्लो होकर रेसिडेंश ह्यूमन एरिया में इनंडेट हो जाता है दैट इज़ बाय फ्लड मैपिंग इज इम्पॉर्टेंट हम रिजर्वॉयर कैपेसिटी इंक्रीज़ करने की बात करते हैं सैटेलाइट के थ्रू मोनिटरिंग की बात करते हैं और जो ड्रेनेज है इनका एम्बैंकमेंट्स भी हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा रिवर एम्बैंकमेंट्स को भी स्ट्रेंदन करने की बात होती है सो दिस इज़ फ्लड प्रिपरेशन बट वॉट अबाउट फ्लड फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग मतलब प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल गया पहले से ही पता लग गया फ्लड आने वाला है थ्री डेज का टाइम मिल गया सेवन डेज का लीड मिल गया तो यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस फ्लड इसकी दो टेक्निक होती है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है और एनसैंबल फोरकास्ट है एनसैंबल फोरकास्ट से सेवन टू टेन डेज का लीड टाइम मिल जाता है डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ इसमें हम अज्यूम करते हैं पानी इतना आएगा तो ऐसे होगा दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी ये बेटर होता है डिटर्मिनिस्टिक से यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन एंड जापान ये ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं एनसेम्बल फ्लड फोरकास्टिंग अलोंग विद दिस इनंडेशन मॉडलिंग फ्लड फोरकास्टिंग में एनसेम्बल एंड इनंडेशन इसमें अलग अलग प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सात से दस दिन पहले ही पता चल जाएगा फ्लड कितना आने वाला है इंडिया शिफ्ट हुआ है डिटर्मिनिस्टिक फोरकास्ट में डिटर्मिनेस्टिक फोरकास्ट में जो रिवर है रिवर के लेवल को हम मेजर कर रहे हैं राइजिंग और फॉलिंग अलग अलग पॉइंट्स में रिवर बैंक्स के अक्रॉस और डिटरमाइन कर रहे हैं कि पानी कैसे फ्लड का डिसीजन आ रहा है दिस इज़ मोर एक्यूरेट बट शॉर्टकमिंग्स आती है शॉर्टकमिंग्स बहुत सारी है फ्लड डिटर्मिनेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मल्टीपल एजेंसीज है हमारे यहाँ एक एजेंसी नहीं होती है आई है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये वेदर पे मॉनिटरिंग करता है फिर वाटर कमीशन है ये फ्लड्स का डेटा रिलीज करता है आईएमडी वेदर का प्रडिक्शन एंड डेटा क्विकली कॉम्प्रिहेंड करके सेंड करेगा सीडब्ल्यूसी को सीडब्ल्यूसी उस डेटा को भी स्टडी करेगा और रियल टाइम पे जो ये चेक लगा रखे हैं उन्होंने फ्लड्स में मेजर करने के लिए इसको कंबाइन एंड कलेक्ट करेगा देन फ्लड का फिर ये टाइमिंग फोरकास्ट रिलीज करेगा दिस इज़ द टीडीएस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इन टेक्स टाइम आई ने थर्टी फाइव डॉपलर रडार भी लगाए हैं डॉपलर रडार डॉपलर रडार क्या करते हैं क्लाउड्स को स्टडी कर लेते हैं कॉम्प्रीहेंड करते हैं डॉपलर वेदर रडार और जो रेन ड्रॉप्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा बेटर और टाइमली डिटरमाइन कर लेंगे कि बारिश कितना होना है कंपेयर टू पॉइंट स्केल रेनफॉल डेटा फ्रॉम रेन गेज रेन गेज क्या होता है बारिश जितना गिरा यहाँ पे ऐसे रेन गेज लगाया इसमें जितना पानी कलेक्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे बारिश कितनी हुई जो डॉपलर होगा वो यहाँ वेदर एंड रेन ड्रॉप्स को ही स्टडी करके बता लेगा कि क्या बारिश का पैटर्न है किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं दिस इज अ बेटर दिस क्विक एंड दिस एक्यूरेट है ये डॉपलर रडार डॉपलर वेदर रडार कैन मेजर द लाइकली रेनफॉल डायरेक्टली एज क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन एस्टिमेशन क्लाउड रिफ्लेक्टिविटी ओवर अ लार्ज एरिया रडार का कॉन्सेप्ट यही होता है ऐसे रेज हम दिस सिग्नल सेंड करेंगे वो वापस आएगा रिफ्लेक्ट होके देन हम उसको स्टडी कर लेंगे तो रडार के थ्रू हम लाइकली रेनफॉल यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं इसमें गूगल का ए भी हमने रोप किया है कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और दिस इज ऑल्सो वर्किंग तो आई वेदर की तरफ से दिस इज गुड प्रॉब्लम जो बॉटल नेक आ रहा है वो सी डब्ल्यू सी वाटर में है मोस्ट क्रूशियल जो एस्पेक्ट है फ्लड फोरकास्ट का वो है रिस्क बेस्ड डिसीजन मेकिंग कॉस्ट इफेक्टिव रेस्क्यू मिशन बाय एंड यूजर एजेंसीज मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज है डिजास्टर में प्री होता है ड्यूरिंग होता है और पोस्ट डिजास्टर होता है तो डिजास्टर में लीड टाइम इज इंपॉर्टेंट और दैट इज वाई दिस सिंप्लीफिकेशन इज एसेंशियल फ्लड पॉइंट्स रिवर पे बनाए स्टेटिस्टिकल मैथड है वहां पे यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है सब जगह नॉर्थ ईस्ट में अलग चल रहा है महाराष्ट्र में अलग है जैक में अलग है देर इज नो यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर इंडिया तो इसके कारण जो फ्लड का फोरकास्टिंग है वो एक्यूरेट नहीं हो पाता है द होल थिंग इज दिस प्रत्युष और मेहर ये सुपर कंप्यूटर है आईएमडी इनको यूज़ करता है डेटा क्रंचिंग के लिए ये डिप्लॉयड है एनसेम्बल टेक्नोलॉजी को करें जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं कलेक्टिव एक प्लेटफॉर्म पर लाएं ताकि कोहेजिवनेस हो और क्विकली हम डिसीजन मेकिंग हो स्टेक होल्डर्स भी और एजेंसी भी दिस इज द पॉइंट द होल थिंग इज अप इन फ्लड फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी दिस टू बी एक्यूरेट इफेक्टिव एंड टाइमली दिस रिलीज़ करें फोरकास्ट डिटेल सो दैट एक लीड टाइम मिले प्रिवेंशन फॉर दिस प्रिपरेशन फॉर दिस फ्लड थिंग इंटीग्रेशन हो मल्टीपल फ्लड फोरकास्टिंग एजेंसीज का यूजर एजेंसीज़ का रेस्क्यू मिशन रिड्यूस करें फ्लड हेज अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया जैसे कोविड नाइन्टीन देखा हमने एयर पॉल्यूशन देखा ऐसे ही जो फ्लड होता है इसका सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत होता है सोसाइटी डिस्टर्ब होती है एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैम्पर होती है सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट इज ह्यूज दैट इज वाई वी नीड टू मेक इन्वेस्टमेंट एंड प्रडिक्ट दिस फोरकास्टिंग इन अ बेटर वे इफ यू मूव फर्दर दिस इज प्लेइंग कैच अप इन फ्लड फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी दिस इज आइडेंटिटी गेम गिग वर्क एंड इट्स क्यूड टर्म्स ये जो एक टाइम था पहले दिस इज रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एक फिक्सड इनकम आ रही है दैट टाइम इज चेंजिंग अभी जो न्यू फॉर्म ऑफ इकोनॉमीज़ है न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है गिग वर्कर्स का गिग वर्कर्स मतलब जैसे प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स होते हैं स्विगी है अमेजॉन है फ्लिपकार्ट है डिलीवरी करवा रहे हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर है देर आर सो मेनी कंटेंट क्रिएटर एजुकेटर्स का गिग वर्कर दिस प्लेटफॉर्म रेडी है दीज आर गिग वर्कर प्राइवेट गवर्नमेंट में राइज ऑफ प्लेटफॉर्म हुआ है प्लेटफॉर्म राइज हुए हैं और उसी के साथ गिग इकॉनॉमी राइज़ हुआ है गिग इकॉनमी राइज होने से कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क हो गया है वर्क का नेचर चेंज हो रहा है और प्रिकेरियस एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है इम्बैलेंस ऑफ पावर है लेबर लॉ यहाँ पे चेक नहीं हो पाते हैं और दिस गिग वर्कर का अक्सर वर्किंग एक्सप्लॉयटेशन होता है प्रॉपर वेजेस नहीं मिलती इनसिक्योरिटी वर्क होता है रैपिडली चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क में आर्म ट्विस्टिंग भी होता है ये जो प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर हैं अक्सर ओला उबर दिस अमेजोन या फिर जोमैटो स्विगी इनके नाम आते रहते हैं आर्म ट्विस्टिंग के लिए वर्क फोर्स में सो दैट इज़ वाई फोर्सड एंड फ्रीडम दिस लेबर हमें ज़रूरत है कि दिस गिग इकोनॉमी को भी हम लेबर कोड्स में आइडेंटिफाई करें प्रॉपर सेफ गार्ड्स हो जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए प्रॉपर सेफ गार्ड्स हैं वैसे गिग इकॉनॉमी में भी होना चाहिए 2020 में गवर्नमेंट कंसोलिडेट करना चाह रही है सारे दिस कोड्स को लेबर लॉज को कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 ट्वेंटी वर्कर्स आर रहा एलिजिबल टू बेनिफिट्स जैसे कि मटर्निटी बेनिफिट डिसेबिलिटी कवर ओल्ड एज प्रोटेक्शन प्रोविडेंट फंड हो एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट हो ये सारी चीज़ें भी गिग इकोनोमी वर्कर्स को प्रोवाइड करें पर प्रॉब्लम यह है कि एलिजिबिलिटी डज नॉट मीन दैट देयर बेनिफिट्स आर गारंटेड जो बेनिफिट्स गारंटेड करने हैं उसमें पॉलिटिकल विल सेंटर का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है गवर्नमेंट का और इनका इम्प्लीमेंटेशन डिफ़िकल्ट है गिग इकोनॉमी में स्टेबल इनकम चाहते हैं डिमांड और एक सेफ्टी नेट का भी डिमांड है तो ये अगेन एक इवोल्विंग कॉन्सेप्ट है गिग इकोनॉमीज न्यू लॉज बन रहे हैं इसमें अभी मेचोरिटी आएगी ओवर पीरियड ऑफ टाइम प्लेटफॉर्म वर्कर प्लेटफॉर्म एग्रीगेट्स द गुड थिंग इज जो कोड ट्वेंटी का है इसने डिफाइन तो कर दिया है एम्प्लॉय को आइडेंटिफिकेशन कर दिया है गिग इकोनॉमी को दिस इज़ वर्क इन प्रोग्रेस इसमें फर्दर अभी डेवलपमेंट्स होंगे रिफाइनमेंट जाएंगे यूज सोशल वैक्सीन ऑफ मास्क हाइजीन मिनिस्टर्स बोल रहे हैं दिस इज कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल पॉस्टरिंग केरला कर्नाटका रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस कोविड नाइनटीन दिस इज अबाउट फॉर्मर डायरेक्टर सी बी आई प्रिवेंटिव स्टेप्स सोशल वैक्सीनेशन सोशल वैक्सीनेशन ऑफ मास्क हाइजीन मिनिस्टर बोल रहे हैं अभी जो रियल वैक्सीनेशन है वो स्टिल फार है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जुलाई तक भी वन आउट ऑफ फाइव को ही वैक्सीनेशन मिलेगी सो दिस इज फॉर यूज सोशल वैक्सीनेशन ऑफ मास्क हाइजीन सेवेंटी एट एडिशनल स्पेशल ट्रेन टू बी रन न्यू राइड रेलवे चाइनाज ग्रॉस एग्रेशन सी क्वाड में इंडिया का स्टैंड क्लियर है इंडिया को यहाँ से बेनिफिट होगा बट एट वॉट कॉस्ट कॉस्ट क्या होगा और यूएस के इंटेंशन क्या है बिकॉज माइक पॉम्पियो का जो स्टेटमेंट्स थे वो बहुत ईगरनेस दिखा रहे थे विद दिस क्वाड एंड चाइना बहुत सिंसियरली सीरियसली ट्राई कर रहा है यूएसए ट्राई कर रहा है चाइना को कंटेन करने का तो दिस इज क्वाड वर्ड अबाउट चाइनाज ग्रॉज एग्रेशन इंडिया को अपनी सोवर्निटी इंटरेस्ट राइट्स और इंडिपेंडेंट जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए इन सर्टेन गेम्स इंडिया जापान फाइनलाइज किया टेक्सट ऑफ पैक्ट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फाइव जी दिस इज अ गुड थिंग कोऑपरेशन होगा 5G न्यू टेक्नोलॉजीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी थर्टींथ डायलॉग हुआ है फॉरेन मिनिस्टर्स का अग्रीमेंट है कि प्रमोट करें कोऑपरेशन करें कैपेसिटी बिल्डिंग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर में जापान का काफी अच्छा रोल रहा है इस टेक्नोलॉजी एंड आर में तो इंडिया कुड गेन अ लॉट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी एंड रिजाइलियंस एरिया ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे 5G, जी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमंग अदर तो दिस इज़ थर्टिथ एम ई ए थर्टिथ डायलॉग था फॉरन मिनिस्टर का साइबर सिक्योरिटी पे एम्फेसाइज किया है पैक्ट साइन किया है इंडिया एंड जापान ने इंडो जापान रिलेशन अब आई आर में सवाल आते हैं इंडो जापान रिलेशन पे कमेंट करना है तो जो कुछ परसेंट होता है ना फिफ्टी परसेंट वो स्टैटिक पार्ट होता है ट्रेडिशनल उसमें हम पूरी जो अभी तक का आई आर का चीज़ें हैं वो लिखा है ये फिफ्टी परसेंट मोर और लेस एवरी स्टूडेंट विल राइट दिस फिफ्टी परसेंट जो स्टैटिक पार्ट है आंसर आपका डिफरेंट और यूनिक कैसे होगा जब ये नई चीज़ें भी आप ऐड करोगे तो जो बचा पचास परसेंट आंसर है पुट ऑल दीज थिंग्स लाइक जापान है तो क्वाड की बातें करेंगे साइबर सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है दिस मेक्स योर आंसर यूनिक और जो एक्स्ट्रा वन और टू नंबर मिलते हैं ना वो इधर से मिलते हैं ट्वेंटी क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में एक नंबर भी अगर आपको एक्स्ट्रा मिला तो आपको ट्वेंटी मार्क्स एक पेपर में होंगे चार जी के पेपर है एट्टी मार्क्स आपको हो जाएंगे एट्टी मार्क्स का लीड ह्यूज होता है जनरल स्टडीज के पेपर में सो दिस इज द ट्रिक इंडिया जापान साइबर सिक्योरिटी एक्ट देन दिस इज शोकेस दिस इज़ अरेबियन डिलाइट एंड दिस इज अप वेर दे बिलोंग बर्ड्स बर्ड वॉचर्स बर्ड्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फिलिम्स में भी बर्ड्स आया था दिस इज यूएस एंड पैंडमिक कोड पुश वन फिफ्टी मिलियन इंटू एक्सट्रीम पोवर्टी दैट इज वाई एयर पॉल्यूशन हुआ हेल्थ हुआ इनके डायरेक्ट इम्पैक्ट्स तो हैं इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट्स होते हैं ना वो आते हैं सोशो इकोनॉमिक रीजन में सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट यूज होती है एक्सट्रीम पोवर्टी वन फिफ्टी मिलियन ना दिस इज अबाउट सीजर्स विन केमिस्ट्री मेकर्स ऑफ जीन सीजर्स विन केमिस्ट्री नोबल एक्सेलेंट डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड ऑफ जीनोम एडिटिंग ये वर्ड है यूपीएससी का भी फेवरेट है प्रलिम्स में क्रिस्पा टेक्नोलॉजी जीनोम एडिटिंग एट्सट्रा जीनोम एडिटिंग हम सारे ह्यूमंस जो होते हैं एनिमल्स होते हैं इनका सेट ऑफ दिस जीनोम सीक्वेंसिंग डी एन एज होते हैं जो जेनेटिक जो फीचर्स होते हैं कई बार वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम दिस पेरेंट्स टू दिस चिल्ड्रेन और ऐसे करके वो आगे धीरे धीरे जेनेटिकली चेंज होता जाता है लाइने जैसे आगे बढ़ती है जीनोम एडिटिंग काफ़ी न्यूज़ में इसलिए भी आया कि जो जेनेटिक जैसे डिसीजेज वाले हैं हम उसको एडिट करें ट्रिम कर दें जैसे ये पार्ट गलत है इसको हमने सीजर से इतना पार्ट अलग कर दिया तो जो जीन आगे ट्रांसफर होंगे उसमें ये जो अननेसेसरी अनडिज़ायर्ड चीज़ है ये पास ऑन नहीं होगी इसको बोलते हैं जीनोम एडिटिंग जीनोम एडिटिंग इस बात पे नोबल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड ऑफ जीनोम एडिट करना वीडियो एडिटिंग करते हैं जो पार्ट नहीं चाहिए वो हटा देंगे जो पार्ट चाहिए आगे वो कॉन्टिन्यू होगा इट इज समथिंग लाइक दैट समाइक री राइटिंग शेयर द नोबल प्राइज एक्सलेंट री राइटिंग लाइफ रिसर्चर्स चेंज द डी एन एफ एनिमल्स प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन जैसे अभी एस्ट्रोनॉमी देखा था उसमें स्केल कितनी बड़ी थी अब ये उसका जस्ट उल्टा है यहाँ पे बहुत स्मॉल प्रिसीज़न में माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक स्केल में हम काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशनरी इम्पैक्ट लाएगी लाइफ साइंसेज में कैंसर थेरेपीज़ में ड्रीम ऑफ क्योरिंग इनहेरिटेड डिसीजेज कम ट्रू इनहेरिटेड डिसीजेज़ क्या होती हैं जो पेरेंट्स से दिस चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र होती है इनहेरिटेड डिसीजेज कम ट्रू बाय दिस जेनेटिक एडिटिंग जीनोम एडिटिंग सो ये जो टूल इन्होंने वर्क किया है इनको यहाँ पे दिस नोबल प्राइज़ मिला है क्रिस्प आर जो है क्रिस्प आर का एक क्रिटिसिज्म भी होता है क्रिटिसिज्म ये होता है जैसे चाइना में इंटरनेशनल दिस हुआ था इन्होंने क्रिस्प आर से जीन एडिटेड ह्यूमंस बनाए थे जीनोम एडिटिंग डिज़ाइनर बेबीज़ भी बोलते हैं इन्हें ये कॉन्सेप्ट अगर टेक्निकली देखें तो करेक्ट लग रहा है बट इधर प्रॉब्लम आती है एथिकल एथिकल एंगल की आती है एथिक्स की आती है तो दैट इज़ बाई इस चीज़ को एनकरेज नहीं किया जाता है अब यहाँ पे इनको मिला है साइंस रिसर्च टेक्नोलॉजी में इसी का एक और सवाल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पर एम्पेसाइज कर रही है स्टेम स्टेम जो होता है स्टेम का मतलब होता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ सोसाइटी एंड दिस कंडीशनिंग साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स में रिलेटिव जो विमेन एंड गर्ल्स का पार्टिसिपेशन है वो कम है और इस रूडिमेंट्री ऑर्थोडॉक्सी ऐसा जो चीज़ है इसको ब्रिज करने का गवर्नमेंट ट्राई करती है तो लेटस ट्राई टू एड्रेस दिस स्टेम गैप को समझें ये ऐसा क्यों है एंड सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस दिस गैप गवर्नमेंट इज पुटिंग अ लॉर्ड ऑफ एम्फेसिस एंड दिस इज एग्जाम्पल कि स्टेम में वेमेन एंड गर्ल्स दे वेल इन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ्स सो लेट इस प्रिपेयर दिस टॉपिक एज वेल डिस्कस दिस स्टेम गैप को रीजनस एंड सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस दिस गैप बिकॉज क्या होता है हम वर्क में भी क्या करते हैं स्टूडियो टाइप कर देते हैं कुछ टाइप के वर्क हैं जो हम जेंडर बेस्ड उनको स्टीडियो कर दिया है कि ये वर्क होगा ये वेमेन के लिए ही है ये वर्क है दिस इज फॉर मैन ओनली ये जो बैरियर्स हैं शैकल्स हैं सोसाइटी के इसको ब्रेक करने में दिस नाउ इज द टाइम इट इज़ नेसेसरी फॉर एग्जाम्पल आर्म फोर्सेज में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वाई नॉट कमांड पोस्टिंग आप दें कॉम्बैट रोल दें परमानेंट कमीशन दें वमेन ऑफिसर्स को भी ऑफिसर इज एन ऑफिसर वहाँ पे जेंडर बीच में नहीं आना चाहिए

टाइम बींग सर्वाइवल इज द किंग थिंग सर्वाइवल के लिए बोरो करना पड़ रहा है फ्लोट करें अदरवाइज कंपनीज अगर फ्लोट नहीं होंगी डूब जाएंगी तो फिर उनको रिवाइव करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा स्पेंड मोर टाइम टू लिमिट डैमेज शॉर्ट टर्म रिलीफ टू रिटेन लॉन्ग टर्म ग्रोथ होप्स आर के ईडी राव इज नेम्ड डेप्यूटी गवर्नर गूगल एंटी ट्रस्ट केस इन इंडिया ओवर स्मार्ट टीवीज मोनोपॉली ये जो बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हो रही है इनकी बहुत ज़्यादा मोनोपोली हो रही है फॉर एग्जाम्पल फेसबुक गूगल ट्विटर माइक्रोसॉफ्ट एट्सेट्रा एप्पल दिस मोनोपोली रेगुलेशन इज इम्पॉर्टेंट मोर स्ट्यूमुलस एट द राइट टाइम ये संजीव सान्याल जी बोल रहे हैं स्ट्यूमुलस देना है कि नहीं देना है स्ट्यूमुलस मतलब एक रिलीफ पैकेज दे दिया एक्स्ट्रा खर्चे करेगी सरकार स्ट्यूमुलस इज गुड बट टाइमिंग

इम्पैक्ट ऑन दिल्लीज एयर अभी स्टबल बर्निंग स्टार्ट होगा और दिल्ली गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑल दो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इसमें मेजर्स ले रही है बायोडिकम्पोजर्स भी लगाएं इसको अवॉइड करने के लिए दिस इज द थिंग आई वॉज टॉकिंग अबाउट जैसे यू एस हाउस ने कहा कि जो बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं इनका मोनोपोली हो गया है दिस मोनोपोली इसको तोड़ना ज़रूरी है ब्रेकअप करना ज़रूरी है दिल्लीज़ पोअर स्ट्रगल एयर स्ट्रगल रीस्टार्ट ये एंटी स्मोक गन है तो ये क्या हुआ ये टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हुआ बट एयर पॉल्यूशन इज नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन देर हैज टू बी सर्टेन दिस सोशो इकोनॉमिक भी हमें यहाँ पे मेजर्स भी होने चाहिए और इनकी सर्टेन कॉस्ट भी है सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट स्कूल्स शट हैं कैपिटल्स टीचर्स वरी हैं सीनियर क्लासेस रियली ऑन ट्रैक है या नहीं दिस इज फॉरन मिनिस्टर जयशंकर साहब एंड काउंटर पार्ट जापान, टोक्यो में मीटिंग थर्टींथ मीटिंग हुआ था ये फॉरेन मिनिस्टर्स का साइबर सिक्योरिटी इज दी नेक्स्ट बिग थिंग रॉबर्स डिजिटल इकोसिस्टम पे हमें वर्क करना चाहिए चाइना ने बहुत ज़्यादा लीड ले लिया है यहाँ पे बैक टू स्कूल है क्लासरूम्स को री करने की ज़रूरत है अभी जो पुराने तरीके है ना पढ़ने के पढ़ाने के ये भी अब बहुत फंडामेंटल चेंजेस आने वाले हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉम्युनिटीज मस्ट है दिस इज़ मांकंड ये होता है कि जैसे यहाँ पे दिस बैट्समैन कई बार यहाँ अगर दूसरे एंड पे है बॉलर एंड पे है, तो वो बॉल डालने से पहले ही रन करना चालू कर देगा तो बॉलर बॉल डालने के बजाय इसको यहाँ पे हिट कर देगा तो दैट इज दिस मांगकंड क्रिकेट कॉन्ट्रोवर्सी ये टेक्निकली तो ठीक है इसमें कोई इशू नहीं है रूल बुक के अकॉर्डिंग है बट इसमें अगेन वही आ जाता है स्पोर्ट्समैनशिप एथिक्स एंड ऑल तो ये क्या करेक्ट है या नहीं है ग्लोबल क्राइसिस लोकल रेस्पॉन्स कोविड नाइन्टीन डेटा जोग्राफीज़ एंड वर्लरबिलिटीज एम्फेसिस होना चाहिए डेटा पे और रीजनल माइक्रो मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है कोविड नाइन्टीन को डील करने के लिए बेटर माइक्रो एक ब्रॉड वे में हम नहीं देख सकते जहाँ जैसा हॉटस्पॉट डेवलप हो रहा है माइक्रो मैनेजमेंट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट ये वर्कआउट करता है सोशल मीडिया सोशल मीडिया भी डबल एज सॉड है मेकिंग ए आई वर्क फॉर इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मशीन्स ह्यूमंस की तरह सोच रही है मैट्रिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफर्स लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी एम्पावर करें इंडिविजुअल्स को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी ठीक करें ये रेज प्लेटफॉर्म है रेज मतलब क्या है रेस्पॉन्सिबल ए आई फॉर सोशल एम्पावरमेंट ब्रॉड इशूज अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जैसे टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स आते हैं ना तो अगर आप ह्यूमैनिटीज से भी हो साइंस फील्ड से नहीं है तब भी एक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग ब्लैंक नहीं होना है यहाँ पे कि ओके okay, ब्लैंक नहीं है यू शुड हैर्टेन अंडरस्टैंडिंग डेप्थ इन डेप्थ भी नहीं हो बट एक सर्टन आइडिया होना चाहिए दिस इज दिस बिकॉज यू नो इन दी एंड जो ए वर्ड होता है दैट इज फॉर दिस एडमिनिस्ट्रेशन ये जर्नलिस्ट होते हैं जर्नलिस्ट वर्क ज़्यादा होता है स्पेशलिस्ट वर्क कम होता है जर्नलिस्ट ज़्यादा होता है तो वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स आपको एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक यू शुड नो रेंज इज इम्पॉर्टेंट रेज 2020 है रेस्पॉन्सिबल ए आई फॉर सोशल एम्पावरमेंट इशूज़ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉलिसी डिस्कशंस के इन सब में गवर्नमेंट एम्फेसाइज कर रही है ए आई फॉर ऑल हमारा मोटो भी है 2030 तक ये 15.7 पॉइंट सेवन ट्रिलियन डॉलर का दिस एंटायर इको सिस्टम होने वाला है अर्ली स्टार्ट करेंगे बेनिफिट होगा यहाँ पे टी थिंकिंग द ट्रेड ऑफ आर बी आई माओपिक बताया है यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन बस टारगेट कर रही है ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है आर का क्रिटिसिजम इसलिए हो रहा था अभी बिकॉज मॉनिटरी पॉलिसी में चेंजेस उसने ज़्यादा किए नहीं रेट कट्स भी नहीं किए आर को डर है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो री थिंकिंग द ट्रेड ऑफ कोविड कॉम्प्लासेंसी फेस्टिवल सीजन है नंबर ऑफ केसेस कोविड के आने वाले महीनों में तेजी से बढ़ने वाले हैं दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर टू लॉन्च कैंपेन कोविड कॉम्प्लासेंसी लक्षद्वीप में जीरो केसेस हैं डेकोरेटेड क्लासरूम्स टुडे दैट्स अ वेरी नाइस थिंग नोबल फॉर सीजर दिस इज सिजर सीजर मीन्स केची जो जीन से हमें हटाना है जेनेटिक चेंजेस करने हैं वो जेनेटिक चेंजेस हमने कर दिए दिस इज अबाउट रिमूविंग द अननेसेसरी थिंग एंड कीपिंग द गुड थिंग जेनेटिक सीजर्स एडिट जीन्स दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल यू गेट टाइम जस्ट रीड इट वंस बहुत सारे इसमें अच्छे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दिया हुआ है दिस जीन एडिटिंग का सीज़र्स टू एडिट जीन्स बेसिक्स वी नो फो फर्दर अ रीड ऑफ दिस आर्टिकल कोरोना वायरस कैसे बिहेव करेगा विंटर में कोरोना को फर्क नहीं पड़ता है समर है मॉनसून है या विंटर है वो वैसा ही वर्क करेगा बट विंटर्स में जो दूसरी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डिसीजेज हैं वो राइज होती हैं तो दिस को टर्न डेडली इन टेक्नोलॉजी हॉक का ही एक टेक्नोलॉजी होती है ह्यूमन भी होता है इसमें एरर्स भी आता है टेनिस में ये फिर से डिबेट ओपन हो गया है रिप्लेस करें लाइन अंपायर्स को लाइंस मतलब जैसे बॉल यहाँ पे है या यहाँ पे लाइन अंपायर्स होते हैं उनका काम होता है उसको जज करना इनको रिप्लेस कर दें हम टेक्नोलॉजी से बट मच अगर टेक्नोलॉजी होती है तो जो स्पोर्ट्स का थिंग होता है जो रियल स्पोर्ट्स होता है जिसमें ह्यूमन एरर्स भी इंक्लूडेड है वो फिर कहीं बहुत ज़्यादा मशीनाइजेशन नहीं हो जाएगा टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं हो जाएगा दिस इज ऑल्सो वन थिंग एंड जो हॉकाई है ये भी कम्प्लीटली पुल प्रूफ नहीं है दिस इज़ द वर्ल्ड न्यूज़ एंड वाइस प्रेसिडेंट डिबेट दिस इज ग्रीक एंड आत्मनिर्भर भारत नाउ दिस इज़ वन थिंग सेल्फ रिलायंट का मतलब ये नहीं है कि हमने एक वॉल क्रिएट कर दिया है प्रोटेक्शनिज्म का अदरवाइज वो काउंटर दिस वर्कआउट नहीं करेगा एच वन बी वीज़ा इम्पैक्ट कर रहा है इंडियंस को ट्रंप मिस्टर ट्रम्प हेलबेंट है कि इंडियंस जो इंडियंस ही नहीं जो फॉरेन वर्कर्स आते हैं यूएस में वर्क करने के लिए टेम्प्ररी वर्क के लिए उनको एच वन बी वीज़ा मिलता है इसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कुछ लगाने की हैं नेचुरल गैस प्राइसिंग कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एंड दिस इज़ फ्रेंच ओपन सो दिस इज़ इंडियन एक्सप्रेस दिस इज़ मोनोपोली इम्पैक्ट ऑन दिल्लीज एयर स्मोक गन ए वर्क फॉर इंडिया

मूव दीज आर बांडा आइलैंड्स और ये न्यू गिनिया दिस आइलैंड का केवल इतना पोर्शन इंडोनेशिया के पास है ये सुलावेसी है सेलेबस दिस इज कालीमंटन बोर्नियो जावा जावा में जकार्ता कैपिटल शिफ्ट हो रही है कहाँ पे नई कैपिटल बनाने का प्लान है दिस इज सुलावेसी ये बोर्नियो है बोर्नियो में इंडोनेशिया भी है दिस मलेशिया का भी एक पार्ट है और दिस ब्रुनय भी है सो दिस इज सुमात्रा जावा कालीमंटन एंड दीज आर आइलैंड्स। ये इसका फिजिकल मैप है ये थाईलैंड है कम्बोडिया वियतनाम मलेशिया दिस टिप इज सिंगापुर सिंगापुर एंड सुमात्रा के बीच में दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाटर बॉडी दो को कनेक्ट कर रही है दिस इज सुमात्रा आइलैंड ये सुमात्रा आइलैंड है बैरसेंथ माउंटेन्स भी है यहाँ पे Then ये सुंडा स्ट्रेट है सुंडा स्ट्रेट सेपरेट कर रही है जावा को और इंडोनेशिया को जावा के ऊपर जावा सी है देन दिस इज बाली दिस इज यहां कोमोडो आइलैंड भी है कोमोडो ड्रैगन्स भी मिलते हैं यहां पे ये बाली सी है फ्लोरेस है कोमोडो नेशनल पार्क है बांडा सी टिमोर दिस इज टिमोर सी ओके देन आरापुरा इधर इधर आ जाएगा और न्यूगी के नीचे दिस इज मोल मोल्युका है दिस इज एंड दिस इज मलक्का मोल्युक्का स्ट्रेट है सेलेबस है दिस इज मकासार स्ट्रेट सुलावेसी एंड बोर्नियो के बीच में मकासार स्ट्रेट भ्रुनाए दिस इज मलेशिया और ये जो पार्ट है कालीमंटन बोर्नियो एंड दिस इज जकार्ता। जकार्ता को सिंकिंग सिटी भी बोलते हैं सी लेवल राइज है डूब रहा है ये सिंगापुर सेलेबी दिस इज मोलक्का एंड ये न्यूगी सो दिस एंटायर ग्रुप ऑफ आईलैंड दिस इज कॉल्ड इंडोनेशिया सो टूडे वी टॉक्ड अबाउट इंडोनेशिया दिस इज मेकिंग ए आई वर्क फॉर इंडिया एक्सप्लेन स्टेम आंसर दिस क्वेश्चन प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मीन्स एंड एस्पेश इन इंटरव्यू स्टेम गैप इसको कैसे एड्रेस करें कैसे हम इसको फिल करें इस ब्रिज को नोबल प्राइज केमिस्ट्री इंडिया जपैन साइबर सिक्योरिटी पैक्ट गिग वर्कर गिग इज नेक्स्ट बज वर्ड गिग वर्कर्स गिग इकोनॉमी डॉपलर रडार्ड्स फ्लड फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी दिस इज स्केल ह्यूज दिस इज ह्यूज दिस इज ह्यूज एंड वी आर हियर यहाँ पे भी सेवन बिलियन में से वन दैट इज वाई बी सीनसियर नॉट्स बी टू सीरियस बी सीसियर दैट्स इट द होल इन द मिडल क्वाड रियालिटी एयर पॉल्यूशन सोशो इकोनॉमिक कंसर्न्स विंटर इज कमिंग एंड दिस इज अबाउट डेमोक्रेसी एंड डिसेंट So this is 8th of October 2020 thank you so much for watching this video take care study well and be safe